हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पेजेस के साथ। ले जी, फाइनली आज हम फ्लाइंग सेटअप पे आए हुए हैं। तो अब मैंने कहा कि आज आपसे थोड़ा शौक भी कराएं कबूतरों का भी। नए कबूतर आ गए, बच्चे भी आए हैं, चार पांच बच्चे आए हैं और तकरीबन कोई तकरीबन पट्ठे भी आए हैं। पट्ठे मोहम्मद ऐसे आए हैं, फिर कबूतर उनके काफ़ी थे, मैं उनसे ले आया हूँ पाँच छः पट्ठे। तकरीबन 10 कबूतर नए आए हैं, उनका भी शौक कराएंगे। लेकिन आज की वीडियो पर आते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो मैंने पहले नहीं बनाई, काफ़ी वीडियो मैंने पहले बनाई है, लेकिन ये वीडियो आज पहली बार बनाने लगा हूँ। एक दोस्त है, उन्होंने नया सेटअप स्टार्ट करना है। उन्होंने पूछा कि जी कैसे मैं अपना नया सेटअप कैसे स्टार्ट करूं, यानी कि खुडे किस तरह बनाऊं, जाल किस तरह बनाऊं। तो मैंने कहा कि ये एक मुनफरिद वीडियो है, तो आज उसके बनाते हैं कि पिजन लॉफ्ट कैसे बनाया जाए। इंग्लिश में कहते हैं जी पिजन लॉफ्ट, और पंजाबी कहते हैं खुडे, तो वैसे तो उसे जाल कह लो। सारी ट्रांसलेशन करें ताकि सब कुछ समझ आए। देखें जी, ये जाल एक बनाया हुआ है, ज़रा इधर खींचेगा, ज़रा कहाँ से इधर खाइएगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक इसकी प्रीव्यू एक बता दूं कि सबसे पहले काउंट क्या करती है। सबसे पहले जो चीज़ जो होती है ना, आपने अपना फाइनेंस देखना है, आपके पास पैसे कितने हैं। असल देखिए यार, मैं ये नहीं कहता, देखिए हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। अब मुझे नहीं पता उस भाई की क्या कैपेसिटी है, जगह कितनी है या पैसे कितने खुडे बनाने के लिए। देखिए, अगर तो आपकी यानी कि ठीक है यार, मैं शौक होना चाहिए, तो आप छोटे लेवल पर स्टार्ट कर लें। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं, और मैं क्योंकि आगे मैंने आपको बताया था कि 5 जनवरी 2024 से, अगले महीने की 5 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चेतर, बैसाख और जून की, जेठ की जो बाजियाँ आ रही हैं, उनकी तैयारी स्टार्ट करा रहे हैं अगले महीने की 5 तारीख से। तो मैं आपको आज खुड्डे का बताऊंगा कि प्रोफेशनली खुड्डा कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको बताया कि देखें, जो बाजियाँ लगा रहा है या जो बाजियाँ लगाने लगा है, उसकी अफोर्डेबिलिटी है तो वो लगा रहा है, तो हम उस लिहाज से चलेंगे। तो पहले आपको बताते हैं जी खुड्डा किस तरह होना चाहिए और जाल किस तरह बनाना है। देखिए, मेरे पास स्पेस है ज़्यादा, ये तकरीबन 2 किनाल की स्पेस है। मैंने तकरीबन ये तकरीबन आप समझ लें कि तकरीबन 8 या 10 मरले में ये तकरीबन बनाया हुआ है सारा खुड्डा वगैरह। 8-10 मरले नहीं है, 6 मरले है, 6 या 7 मरले होगी मेरे ख्याल से। मैंने हाइट का क्या है, पहले अंदर आए, आप पहले बताते हैं, खुड्डे पर डिस्कस करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले मैं उस भाई को कहूंगा जो नया सेटअप स्टार्ट कर रहा है कि देखिए, आपने जब खुड्डे बनाने हैं, देखिए यार, ये मैंने भी खुड्डे बनाए थे, मैंने चूंकि चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी खुड्डे बनाए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसका पैटर्न ये रखा था कि मैंने ये खुड्डों की जो थी ना हाइट 7 फुट रखी थी। क्यों? आपने देखते हैं कि खुड्डे की हाइट जो है, हाइट खुड्डे की यानी कि ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, जरा क्लिक करें। देखिए, सबसे पहले आपने खुड्डे की हाइट जो रखनी है 7 फुट रखनी है, 7 फुट से ज्यादा नहीं करनी अगर आपका फ्लाइंग सेटअप है। अगर आपका ब्रीडिंग सेटअप है, फिर आप अपने लिहाज से बेशक 10 फुट कर लें, 8 फुट कर लें, लेकिन फ्लाइंग के लिए 7 फुट बेस्ट होती है। क्यों भला? देखिए, एक तो कबूतर जब आपने लगाया होता है, कबूतर आपका इजी टू ग्रिप आ जाता है। अच्छा, वो देखें, एक बच्चा है, हाँ, आपको शौक भी कराते हैं, बच्चा टैडी भी आया नया, जरा उसका भी शौक कराते हैं आपको। आए, जरा अंदर कीजिएगा, बस यहाँ से, जरा यहाँ से दिखाइएगा। देखें, ये है 7 फुट, मेरी हाइट है तकरीबन 5-10, तो ये 7 फुट से मतलब क्या है कि ये देखें, ये लगाए हैं, ये फटियां वगैरह लगाई हुई हैं। मैं फटियां वगैरह, मैंने आपको बताया कि मैंने जल्दी स्टार्ट किया था, मैं फटियां प्रॉपर नहीं अभी लगा सका, लेकिन फटियां नीचे खाने बनवाए थे और ऊपर फटियां वगैरह लगा दी है। कबूतर इजी आपकी ग्रिप में आ जाता है। देखें, कबूतर बैठा हुआ है, आपने ऐसे पकड़ लेना है, जिस तरह मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें जिस तरह ये बचा है। अब अगर खुड्डा ऊंचा होगा तो आप क्या जंपे मारेंगे इसके पीछे, तो उस खुड्डे के उससे ऊपर की बजाय आप इजी उसको पकड़ लेंगे। देखें, ऐसे किया और ये आपके हाथ में इजी आ गया। खुड्डा 7 फुट का रखें, फटियां लगाएं 6 इंच की। ये देखें, ये फटी जो लगी है ये 6 इंच की लगी हुई है, दिखाई जरा करीब कीजिएगा। ये देखिएगा, ये जो फटियां सामने की तरफ लगाई है ये 6-6 इंच की, ये देखें यहाँ पे जो लगाएंगे ये सारी 6-6 इंच की। 6 इंच कितना होता है, अपनी 2 उंगलियों कैसे मिला लें, 6 इंच। कबूतर इजी बैठता है, थकता भी नहीं है, और जिसे कहते हैं कि इस तरह। अच्छा, एक तो हो गया कि हाइट खुड्डे की 7 फुट हो और उसकी विड्थ कितनी हो। देखिए, मैंने ये बनाए थे तकरीबन 3 खुड्डे क्यों बनाए हैं कि एक रखा है नर के लिए, एक मादा के लिए यानी कि कबूतरी को लिए, और एक खुड्डा रखा था जो नए बच्चे आते हैं या कबूतर जो पकड़ते हैं ना, हम कबूतरों में नहीं मिक्स करते। वो तीसरा खुड्डा जो है ना, हमने वो दिखाइएगा जरा, ये तीसरा खुड्डा जो है ना, ये रखा हुआ है हमने नए पकड़े हुए कबूतरों के लिए, और जो नए बच्चे आते हैं इसमें वैक्सीन करके हम पहले अलहदा कर देते हैं कबूतरों को। ये देखिएगा, एक कबूतरों के लिए बाजियों के दिन, कबूतरियों के लिए और नए बच्चों के लिए। मैंने चूंकि कॉर्नर पे एक बनाया है, मैंने बनाया है 8x8 के,
यानी कि 8 उसकी लेंथ है, 8 ही विड्थ है, 8x8 के बनाए हैं। एक कुड्डा कबूतरों के लिए, कबूतरियों के लिए, और एक मैंने बताया आपको ये। और हाइट उनकी, बुलंदी जो रखी है सिर्फ 7 फीट, इससे ज्यादा नहीं रखी, इजी रखते हैं। पहले जरा शौक करें, फिर आपको जाल का बताता हूँ जाल कैसे बनाना है आपने। ये जी मेरे सेटअप से आया बच्चा, जरा शौक कीजिएगा। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नजर ना लगे यार, देखें जी इसका थोड़ा आंख का शौक करिए। ये ओरिजिनल टैडी कबूतर है, दुम देखिएगा, पंजे देखिए इसके, जरा ये है जी ओरिजिनल टैडी। मेरी जो बड़ी ब्रीड है ना कबूतरों की, उसमें से बच्चा है। मैं के साथ ही आपको शौक भी करा दो। ये नए आए हैं आज, एक और कबूतरी आई है, वो बच्चे कबूतर मैंने छोड़ दी बीच में, एक्सल में बाहर निकल गए हैं, तो मैं क्या आपको उसका शौक कराता हूँ। अच्छा जी ये हो गया जी, आपको मैंने दिखाया है कि खुड्डों की सिचुएशन, खुड्डों की क्या है। अच्छा उसके बाद जाल आप कितना बनाए, देखिए ये आपकी अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करता है। देखिए ये जो जाल आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा महंगा बना हुआ है, महंगे से मतलब तकरीबन 1,00,000 रुपए से ऊपर लग गया था इसके ऊपर, क्योंकि ये टोटल आयरन रॉड है। देखिए लोग वुड यूज करते हैं, मैं वुड नहीं यूज की है, क्योंकि जिसे कहते हैं कि यार थ्रू आउट उतना पक्का बनवाया है, और जिसे कहते हैं ये काफी लेंथ पे है, यानी कि बड़ा है काफी, तकरीबन 35x40 पे है ये इतना बड़ा खुटा है, सारा टोटल मिला के 35x40 का बनाया, ताकि कबूतर जरा फिरता रह से। ये देखिएगा, दिखाइएगा इधर, कबूतर उधर खुटे से निकलता है और सीधा फ्लाइट मारता है और इधर फिरता रहता है सारा, आके कबूतर जो है ना आगे डिस्टर्ब नहीं होता, यानी कि उसके गुटे छूटे स्टाइल नहीं होते और माशाल्लाह फिट रहते हैं। देखे जो मैंने आपको बताया था कि वो अपना उसका पैनाडॉल और उसका सिरप दे रहे हैं कि नहीं आप लोग कबूतर फिट रखने के लिए, मैं पैनाडॉल और ब्रूफेन का सिरप 2.5 लीटर की बोतल में एक एक ढक्कन उसका डाल के दे रहा हूँ, माशाल्लाह कबूतर देखे था सर्दियों में फिट है सारा। आपको जो राउंड कबूतर लग रहे हैं ये हमारे पास लगे हुए कबूतर है, इंशाल्लाह बैसाख के लिए इसको तैयारी कर रहे हैं सारे कबूतरों की, आपको शौक शासक कराते रहेंगे। ये था जी खुड्डा, मैंने आपको बताया कि देखिए इसको सपोर्टें दी है बीच में से आयरन की, टोटल आयरन की दी है ये सारी आयरन की। मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट का अगर अंदाजा लगा दें मोर देन 1 लाख करीब इसकी कॉस्ट आई है, ज्यादा लग गए थे पैसे, लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ इतने की लग जाती है। लकड़ी का बनवाएंगे तो वो 30-40 हज़ार में बन जाएगा, लेकिन यार रिस्की है बस देख लें। लेकिन मैंने आपको बताया अफोर्ड अपनी जो अफोर्डेबिलिटी पे आपको पता चल गया खुड्डा क्या है। अच्छा अब दूसरी बात, लाइटें कैसे लगानी है, ये देखें लाइटें हमने किस तरह लगाई हुई है, अंदर की तरफ लगाई हुई है, चारों कोनों पे हमने बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स लगाई हैं। ये देखिए एक दो, एक वो लगाइए कोने पे, उधर दिखाइएगा वो कोने पे दिखाइएगा, और एक घूमे जरा इधर कोने, एक देखिए ये लाइट, ये लाइट्स अंदर की तरफ लगाई हैं। आपके जहन में सवाल यहाँ पे ये आता है कि अंदर की तरफ लगाई है तो बाहर की तरफ क्यों नहीं लगाई, कबूतर कैसे बैठेगा। देखें यार सिर्फ कबूतर कबूतर परवरिश नहीं करनी, हमसायों के हकूक का ख्याल भी रखना है, बड़े ज्यादा हकूक है और बड़ा आपको ख्याल रखने की जरूरत है उनके, कि कोई तंग ना हो। देखिए हमने रात को लाइटें चलाई हो, बेचारों के घरों में लाइटें जा रही हैं, तंग हो रहे हैं, हमसाय की वैसे कह नहीं रहे लेकिन गुनाहगारी है, हमने सिर्फ उस वजह से बाहर कोई अड्डा नहीं लगाया या लाइटों का रुख ऐसे नहीं किया ताकि कोई तंग ना हो। आप लोग भी यार एहतियात करें, कोई आपका हमसाया तंग ना हो आपसे, शौक शौक ही होना चाहिए, ना कि होना चाहिए कि जी बस हमसाया भी तंग, सारे तंग, घर वाले भी तंग और गाला भी पै रही है, तो इसलिए अवॉइड करें इन चीज़ों से यार, दफा करें बस अंदर जितनी हद तक हो सके उसको करें। ये था जी खुड्डा, कि वो मेरे भाई जो पूछना चाह रहे थे कि जी खुड्डा आपने बनाया क्या, कॉस्ट आई, कितने का बना, कितनी हाइट, कितनी विड्थ, सारा कितना रखा, ये था जी सारा आज आपको बताया है। आज कबूतर भी हमने उठाए हैं, कबूतर बैठ रहे हैं अभी तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे करके बैठे हैं, बड़े दिनों बाद निकाले कबूतर, धुंधे पड़ी थी जी, बड़ी स्मोक है ऊपर, बड़ी धुंध पड़ी है, स्मोक ज्यादा है, स्मोक की वजह से कबूतर भी जो है ना, वैसे माशाल्लाह मेरे सारे फिट हैं, कोई कबूतर ऐसा नहीं है लेकिन कबूतर सारे फिट हैं। ले जी ये थी जी वीडियो, मैंने कहा उस भाई को बता दो, क्विक वाइंड अप जरा इधर दिखाइएगा, आप भी खुड्डे बनाए, मैं देखें उनको ही बात नहीं कर रहा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से छोटे खुड्डे बना ले, कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि अगर आपने बाजियां खेलनी है, देखिए अगर आपने डेट वो खेलना है और फिर आपको जगह चाहिए, देखें इसकी कैपेसिटी मैंने रखी है 25 कबूतरों की, हालांकि इसमें कोई 50 आ सकते हैं लेकिन नहीं, सिर्फ 25 कबूतर, नर एक ही रखी है, 25 कबूतरों की रखी है कबूतरियां, इससे ज्यादा मैं कभी करते नहीं, ज्यादा हो तो दोस्तों को दे देता हूँ,
पकड़े पकड़ा कबूतर कभी नहीं अंदर रखने, आपने बाजी स्टार्ट होने लगी पकड़ पकड़ कबूतर एक साइड पे अलहदा खुडे में रखने हैं ताकि वायरस ना फैला सके। वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है, वैक्सीन हो गई है सारे कबूतरों को। मैंने आपको बताया था मेरे पास वो नहीं मिल रही थी मुझे गैलेम्यूर, मार्केट में एक बंदे के पास थी, मैंने उसको 25 के पता नहीं 30 रुपए 28 रुपए शायद दिए, उसको देखे सारे कबूतरों को वैक्सीन भी करवा लिया और माशाल्लाह कबूतर सारे फिट है। ये था जी वीडियो उस भाई के लिए, ये पहली वीडियो है, ये इससे पहले मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। अपना बड़ा ख्याल रखें, मैं सिद्धार्थ कुरैशी आपका होस्ट, 5 जनवरी हमारे साथ रहे, आपको पूरा साथ बनाना है फ्री ऑफ कॉस्ट यार, कोई पैसे नहीं, शौक देखें साथ साथ आपको इंशाल्लाह बाजियों का भी शौक करवाएंगे। और अपना बड़ा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।